गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो सुबह के बज रहे 5:30, मैं उठ गया हूँ। तो अब दूध की जो ड्यूटी थी वो मम्मी ने अपने ऊपर वापस ले ली है, तो अब मुझे सिर्फ सुबह उठ के जिम जाना होता है। तो बस सुबह 5:45 पे अपना किशमिश, बादाम और स्प्राउट्स खा लेते हैं थोड़े से। भाई जिम के लिए थोड़ी एनर्जी तो चाहिए, तो सबसे पहले बनाते हैं टू डू लिस्ट। 5:50 हो रहे हैं, तो 20 अपने करने हैं एडिशन, 20 करने हैं सब्सट्रैक्शन, 20 करने हैं मल्टीप्लिकेशन। ये कैलकुलेशन हो गया मेरा, जो मेरे को हर रोज़ करनी होती है। फिर मेरे को करना है इसके बाद 1 से 60 तक स्क्वायर, फिर उसके बाद करना है 1 से 30 तक क्यूब। तो ये भी मेरा हर रोज़ का कंपलसरी है, बस कभी कभार बढ़ाने पड़ जाते हैं 5-10। फिर वो कैब करनी है, वो कैब मैंने 1 से 240 तक कंप्लीट कर ली थी, तो आज 240 से 260 तक करनी है न्यू, मतलब ये लर्न करनी है। और वो वाली मुझे करनी है रिवाइज, जो पिछले मैंने कर रखी है। तो इसके बाद मेरा आ गया मैथ्स। मैथ्स में मुझे जो मैं पहले कर रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन करूँगा आज। और मेरा ये आज है चौथा दिन, चौथा दिन ही होगा, हाँ चौथा ही नहीं, तीसरा है, चौथा ही दिन होगा, हाँ चौथा ही है। फिर इसके बाद फिर मुझे करना है इंग्लिश। इंग्लिश में मुझे करनी है रीडिंग, जो कि मैं रोज़ करता हूँ। तो आप क्या रीडिंग करते हो वो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। फिर इसके बाद नोट्स बनाने, क्योंकि मेरे नोट्स जो है हमारे जिम्मी ने फाड़ दिए, तो इसलिए मुझे नोट्स बनाने। फिर जीके में करने हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो। और स्टैटिक मेरे को आगे करना है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक करना है मुझे स्टैटिक का। और इसके बाद आता है हमारा रीजनिंग के बारी। तो रीजनिंग में मेरा चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट मेरे को आता है, मैं बस क्वेश्चंस क्वेश्चंस लगा रहा हूँ और मॉक्स भी लगाता हूँ। आप कहाँ से मॉक लगाते हो मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने तो टेस्ट बुक की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, तो मैं टेस्ट बुक पे ही करता हूँ। और भाई कल था मेरा बैकअप डे, तो एक दिन मैं आपको बैकअप डे भी बताऊँ कैसा आ जाता है मेरा बैकअप डे। फिर 6:15 हो रहे हैं, तो टू डू जल्दी बन गई। तो फिर अब मैं जा रहा हूँ जिम, अपनी बेल्ट रखी। और भाई आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, रनिंग करते हो, जिम जाते हो, क्या करते हो मुझे ज़रूर बताना। फिर मैं अपना जिम का प्रिपरेशन स्ट्रैप रख लिए और अपना हाइजीन के लिए टॉवल रख ली। और भाई मेरा पंटर कहाँ है, मेरा पंटर ये रहा, माई जिम ब्रो। फिर बस इसके बाद 6:30 हो रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ जिम। और भाई ये हम मेरे दोस्त जो मुझे कभी धोखा नहीं देते, तो ये मिल जाते हैं सुबह सुबह, इनको सहला के ही जाना पड़ता है, वरना ये पीछे पीछे आधे रास्ते तक आते हैं। भाई क्यूट बहुत हैं, अगर आप इनको घर में बुलाओगे ना, ये घर में आते हैं पूरा छानबीन करके बेड पे घूम घाम के फिर वापस चले जाते हैं। और ये तो बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा ही। इसको ये देखो लेट गई, इसको सहला के फिर अपना जिम जाऊंगा। और आज मेरा है बैक डे ही था शायद मेरा आज। फिर 8 बज रहे हैं, कार्डियो सेक्शन मेरा ऐसा है, तो थोड़ा बहुत कार्डियो करके एप्स भी ट्रेन कर रहा हूँ मैं, एप्स बनाऊंगा, एप्स ट्रेन करके। फिर 8:20 हो रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ घर। अब ये वाले डॉग भाई, इसमें ना ये जो डार्क ब्राउन वाला, ये नया डॉग आया है यहाँ पे, एमसीडी वाले छोड़ गए। अब देखो ये काटने को, ये भाई इनसिक्योर हो गया उस डॉग के लिए। पहले वो यहाँ पे रहती थी, तो अब उसके पास ना ये किसी को जाने नहीं देता। तो जैसे जैसे मैं इसके पास उसके पास जाऊंगा, ये देखो वापिस आएगा भौंकने, ये देखो भाई, मतलब उसके पास में जाने ही नहीं देता अब। मतलब अगर कुछ खान खिलाने भी आ रहा हूँ ना, तो एकदम से भग जाएगा, नहीं उसके पास मत जाओ भाई, वो बैठी रहती है। उसने बॉडी गार्ड बना लिया इसको कि भाई तू किसी को पास मत आने दी। और ये हमारा गली का तो नहीं, घर का है ये, मतलब हमने इसको स्ट्रीट से ही पाला है। तो भाई आप भी अडॉप्ट करो यार, बाय मत करो। फिर अपना नहा धो के फिर अपने सूर्य देव को पानी चढ़ाऊंगा। और भाई अपने भगवान को हर रोज याद किया करो, जो भी आप जिनको भी आप मानते हो, सबको मानना चाहिए कि मेरी तुलसी माता, इनको पानी दे रहा हूँ। इनके साथ साथ मैं सारे उनको दे देता हूँ, पौधों को। फिर अपना शेक बनाऊंगा, जिसमें मैंने बादाम, किशमिश, पीनट बटर, केले और दूध ये डाला है, शेक बना के पी के। और फिर मैं जा रहा हूँ अपनी जॉब पे, जॉब पे ये मेरी जॉब है, जिसमें मेरे को 9 to 9 या फिर 10 to 9 तो जाना ही होता है। और भाई
तुम भी बस ये सोच लो कि भाई हाँ जाना है, ये मेरे सूर्यदेव जो मेरे ऊपर हमेशा अपनी पॉजिटिवनेस बना के रखते हैं। तो मैं फिर जिम पहुंच गया हूँ, मैं अपने शू रैक में स्लीपर डालकर अपने डेस्क पे बैठ जाऊँगा। और मैंने डेस्क बिल्कुल गेट के पास इसलिए रख रखी है क्योंकि यार देखो, अगर पूरा दिमाग पढ़ाई पे जाता है ना तो सर दर्द हो जाता है बहुत जल्दी। तो इसलिए क्या है कि जैसे ही मेरा मूड बना बस निकल गया बाहर हल्का सा, फिर 10-20 पे भाई बॉटल वगैरह भर के मैं बैठ गया हूँ। फिर मेरी आएगी वो कैब की बारी। भाई बहुत टाइम लग जाता है भाई वो कैब कंप्लीट करने में, बहुत मतलब नए पढ़ने में ज़्यादा नहीं है, 20 ऐड कर रही है मैंने नए पढ़ने के लिए हर रोज़ के, मगर भाई जो पिछले रिवाइज करने होते हैं ना वो बहुत है। और मैं पिनेकल करता हूँ भाई, कम से 2 घंटे तो कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लगता है भाई, तुम्हें भी लगेगा स्टार्टिंग में। फिर 12:20 पे घर जा रहा हूँ, आज जल्दी जाना है क्योंकि मम्मी और बहन को शॉपिंग पे जाना है, तो दिवाली आ रही है भाई तो इसलिए अब घर जल्दी जा रहा हूँ। और लाइब्रेरी से निकलते ही मेरे सूर्यदेव मेरे ऊपर अपनी पॉजिटिवनेस डालते हुए, फिर खाना आज बनी है गोभी की सब्जी और रोटी, दही बाद में खाऊंगा। फिर मैं लेट गया हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, और रेस्ट करते हुए मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, हॉरर पॉडकास्ट, और मेरा डॉगी भी साइड में लेटा हुआ है। फिर मैं घर से निकला फ्रूट्स वगैरह लेके, तो गौ माता मिल गई तो मैंने अपना एक बनाना उनको दे दिया। भाई खिला दे करो भाई, दुआ मिलेगी तुम्हें दुआ, तो थोड़ा एनिमलों के पास भी रहो, खिलाओ उनको भी, दुआ अर्न करो, मतलब जो भी कहते हैं उन्हें। फिर 2:10 पे अपना लाइब्रेरी आके मैथ स्टार्ट, मैथ्स में भाई बहुत टाइम लगता है, कैलकुलेशन कह रहा हूँ, क्वेश्चंस करने में भी कहाँ टाइम चला जाता पता नहीं चलता। फिर 4:20 हो रहे हैं, हमें और नींद आने लगी, तो फिर भाई अब खाना खा के नींद तो आती है, तो जितना पढ़ा जाता पढ़ लेता हूँ। फिर उसके बाद ना सो लिया थोड़ा, नींद निकाल ली यहीं, और भाई मस्त नींद आ जाती है यहाँ पे भी एकदम से। और ऐसी जगह ही लेटो भाई, क्योंकि अगर आप ना ज़्यादा वैसी जगह सोओगे ना बेड वगैरह पे, तो आपके 2-2.5 घंटे ना ऐसे ही निकल जाते हैं, ये मैंने पहले ही बताया आपको। तो आप ना ऊट पटांग जगह पे सो, जिससे आपकी नींद तो पूरी हो जाए और इधर उधर वो भी ना हो, मतलब ज़्यादा रिलैक्स भी ना हो कि भाई एकदम से सो गए तो पता ही नहीं चल रहा, डिस्ट्रैक्शन रहती है ना थोड़ी, तो ये होता है कि भाई पढ़ना है अभी पढ़ना है। फिर भाई 4:40 हो रहे हैं, तो अपना नोट्स बना रहा हूँ नीतू मैम से, और भाई नोट्स कंप्लीट करने हैं भाई, डॉगी ने फाड़ दिया क्या करूँ। फिर अब 5:35 पे ऊपर आ गए छत पे अपना टाइम पास करने थोड़ा अपने लिए। और आप भी दिन में भाई कुछ टाइम ऐसा निकालो जिसमें आप अपने बारे में सोचो, मुझे क्या करना है आगे, और अपने डाउनफॉल्स कौन से चल रहे हैं, उनको अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, मतलब सोचो अपने बारे में, अपने से बात करो, अपने मतलब आप देखो दोस्त बना रखे हैं उनके साथ बैठोगे तो पुरानी बातें होंगी, नई बातें होंगी, पढ़ाई की बातें दोस्तों के साथ बहुत कम होती है, मगर आप अकेले बैठे हो या फिर अकेले हो तो उससे ही हो जाता है कि आप अपने बारे में सोच सकते हो कि आपको क्या करना है, आपको मोटिवेट कैसे रखना है, घर वालों के बारे में सोचना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा टाइम अपने लिए रखो, और भाई क्या ही बोलूँ, थोड़ा मोटिवेट रहो, पढ़ लो थोड़ा थोड़े टाइम के लिए, 1 साल 2 साल पढ़ लो, जॉब लग गई लाइफ सेट, नहीं हुई सेट तो करनी तो तुम्हें ही पड़ेगी सेट, मैं तो आऊँगा नहीं तुम्हें लाइफ सेट करने, या तो आजकल बाल ही सेट नहीं हो रहे, लाइफ तो भाई दूर की बात है, तो मेहनत करो लाइफ भी सेट हो जाएगी, बाल भी सेट हो जाएंगे, वैक्स के पैसे आ जाएंगे। तो अभी तो चल रही है जाए चल रही है, मेहनत कर रहे हैं। और भाई एग्ज़ाम सितंबर में है, अगर जो जो सीजल देने की सोच रहा है तो भाई प्रिपरेशन कर लो, 1 साल भी नहीं है तुम्हारे पास। फिर 6:35 हो गए, नीचे आ गया हूँ, अब अपना स्टैटिक स्टार्ट कर दिया है जिसमें मेरे को आया फर्स्ट इन इंडिया, मैंने पढ़ तो रखे हैं काफ़ी सारे, अब मतलब नए नए भी देखने हैं। फिर रीजनिंग में अपना स्टैटिक अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट जो कि मेरा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, मेरे जैसे 20 से 25 क्वेश्चन बचे होंगे जो कंप्लीट हो जाएंगे आज। फिर 8:30 बजे घर निकल गया हूँ, सूर्यदेव तो चले गए, अब चंदा मामा आ गए हैं अपने मेरे ऊपर पॉजिटिवनेस डालने के लिए। फिर घर आया तो ये हमारा जिम्मी हमारा वेट करता हुआ बिल्कुल गेट पे, अब भागा है बेड पे चढ़ेगा कि भाई यहाँ पे आ मेरे पास आ ऐसे। फिर आज बनाया अंडा करी, तो भाई मैं आपको बता दूं मैं हूँ नॉन वेजिटेरियन, मैं अंडा मच्छी चिकन सब खाता हूँ। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैं निकल गया वॉक पे अपने भाई के साथ, भाई बस थोड़ी ऐसी वॉक करूँगा, फिर मन गया गोलगप्पे खाने आगे, गोलगप्पे भाई बहुत पसंद, दही वाले पानी वाले इतने नहीं पसंद। फिर यहाँ पे अपने भाई के साथ बैठ गया हूँ थोड़ा, भाई तो लगा पड़ा है
अपने पार्टनर से बातें करते हुए। मैं बैठा हुआ हूँ मस्त दुनिया, और फिर भाई अपना हिस्ट्री वगैरह थोड़ी देख के रात को, और अब मैं सोऊंगा। तो आप भी मेहनत करो, गुड नाइट, बाय।